1966 के वक्त वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक रूम के अंदर 5 बंदरों को रखा, वहाँ एक सीनी रखा और उस पर कुछ केले रख दिए। जैसे एक बंदर उस केले को लेने ऊपर चढ़ा, वैज्ञानिकों ने बच्चे बंदरों पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया। बंदर नीचे आया, पानी रुका और जब दूसरा बंदर ऊपर चढ़ा तब फिर से ठंडा पानी गिरना शुरू हो गया। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसे सब बंदर मिलकर मारने लग जाते। वैज्ञानिकों ने उनमें से एक बंदर को निकालकर वहाँ दूसरा बंदर रखा। नए बंदर ने भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करी लेकिन सब मिलकर उसे मारने लगे। नए बंदर को बस इतना समझ में आया कि ऊपर चढ़ने से मार पड़ती है। वैज्ञानिकों ने दूसरा बंदर भी बदला, उसने भी कोशिश करी और उसे भी मार पड़ी। अब एक के बाद एक सारे बंदर बदल दिए गए। वैज्ञानिकों ने पानी बरसाना बंद कर दिया और अब इनमें से किसी को नहीं पता था कि ऊपर चढ़ने से क्या होता है और ऊपर चढ़ने वालों को क्यों मारा जाता है। लेकिन क्योंकि एक परंपरा या रिवाज बन चुका था, इसलिए उनमें से कोई भी बंदर ना ही ऊपर चढ़ना चाहता था और ना ही किसी और को चढ़ने देना चाहता था। हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज होता है जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथा चलती रहती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है ये पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। अच्छा, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं।